हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक वीडियो टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में कमोडिटी मार्केट के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और हम कमोडिटी मार्केट के ऊपर बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार इक्विटी मार्केट के कॉम्पिटिटिवली हमें कमोडिटी मार्केट से प्रॉफिट बनाना ज़्यादा आसान लगता। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कमोडिटी मार्केट में अगर आप किसी को भी उठा के देख लो तो उसका प्राइस आपको मैक्सिमम एक पार्टिकुलर रेंज में ही मूव करता हुआ दिखता है, चाहे आप क्रूड ऑयल उठा लो, गोल्ड या फिर सिल्वर की बात कर लो। यहाँ पे हम गोल्ड के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो गोल्ड की अगर हम लास्ट 1 to 2 ईयर्स की प्राइस रेंज की बात करें तो ये आपका लोअर रेंज है 45,000 से लेके हायर रेंज 55,000 के रेंज में मूव करता हुआ दिख रहा है। और कई बार जब हमें ये लोअर रेंज पे मिलता है तो वहाँ पे बाई करना आसान हो जाता है और वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी कम रहता है। वहीं अगर ये हायर लेवल पर मिलता है तो वहाँ पे सेल करना आसान रहता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क हमारा बहुत कम होता है। इसलिए हमें इसके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि जब हमें इक्विटी मार्केट से प्रॉफिट बनाना डिफिकल्ट लगे और अगर हमें कहीं कमोडिटी मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ईजी अपॉर्चुनिटी, तो उसको हम ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है प्रॉफिट बनाना। तो चलिए आज हम उसी को देखते हुए गोल्ड के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और गोल्ड में कैसे हम इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पे हम गोल्ड में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखने जा रहे हैं। चलिए इसको हम सीखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, और ये जो चार्ट है आपका गोल्ड दिसंबर फ्यूचर का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है, जिसके बेसिस पे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग भी इनिशिएट कर सकते हो सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करते हुए। बस आपको यहाँ पे चेंजेस करना होगा टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको 15 मिनट या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम लेना होगा, या फिर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम को भी यूज करते हुए स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे टाइम फ्रेम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको इंट्राडे में यूज करना है तो यहाँ पे आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करना है, और वहीं अगर आप चाहो तो 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम को भी यूज करते हुए अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सेटअप कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडिंग सेटअप आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आप अपने हिसाब से पोजिशनल ट्रेडिंग में सेम टेक्निक को यूज करते हुए ट्रेडिंग पोजिशन जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हम मदद लेंगे, सबसे पहला यहाँ पे हम कैंडल्स की मदद लेते हुए हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे। सिर्फ कैंडल्स की मदद नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एक इंडिकेटर भी यूज करेंगे, उसका नाम है आपका RSI। और एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और एट द सेम टाइम अगर कैंडल्स हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हुए हम क्लियर पिक्चर लेने की कोशिश करेंगे। कैंडल ब्लेंडिंग होता क्या, जिनको नहीं पता, जो हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको तो आइडिया होगा, जो लोग रेगुलर नहीं देख रहे हैं उनके लिए बता देना चाहूंगा। जब हम दो या दो से ज्यादा कैंडल को एक साथ कंबाइन करके एक कैंडल फॉर्म करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैंडल ब्लेंडिंग। यानी दो या दो से ज्यादा कैंडल को ब्लेंड करके एक कैंडल बनाते हैं जहां से हमें क्लियर पिक्चर मिलता है। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका ऊपर डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्लियर डायरेक्शन है ऊपर साइड की तरफ, जहां पे आपका ये हायर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है, क्लियर कट अप डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर करें तो इस लेवल पे आपका RSI एक हाई बनाया, फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हाई बनाया। अब प्राइस में अच्छा खासा डिफरेंस है, ये हाई और ये हाई हम देख लीजिए, प्राइस में ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस हाई और इस हाई को ज्वाइन करें तो यहाँ पे हमारे लिए एक फ्लैट लाइन बनता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्लियर कट हमें इंडिकेशन दे रहा है कि जो बायर्स हैं उनमें फर्दर कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रहा। मतलब यहाँ पे बायर्स में काफी हद तक कमजोरी तो नहीं, लेकिन कमजोरी का इंडिकेशंस मिल रहा, क्योंकि बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहीं पे जल्दबाजी में सेल साइड की तरफ चले जाना, यहाँ पे हमें दो चीज और कंफर्म करना है कि बायर्स वाकई कमजोर हुए या नहीं हुए, वो हमें कंफर्म करना, और इसके साथ साथ अगर यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग होंगे तभी यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाना, अदरवाइज यहाँ पे सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। और अगर आपको ये सारा पॉइंट फाइंड करना, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, मैनुअली फाइंड करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको प्राइस सेक्शन देखना है और RSI देखना है, दो चीज आपके सामने सबसे पहले होगा। अगर प्राइस सेक्शन का डायरेक्शन आपका ऊपर साइड की तरफ है तो आपको ये फाइंड करना होगा कि RSI फ्लैट हो या फिर नीचे साइड की तरफ जा रहा हो। वहीं अगर प्राइस एक्शन का डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ हो
तो आपको फाइंड करना है कि RSI आपका फ्लैट हो, यानी तो इसका डायरेक्शन अपोजिट साइड की तरफ हो, यानी प्राइस एक्शन और RSI दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, वैसा पॉइंट आपको फाइंड करना है। और अगर आप थोड़ा सा चार्ट को अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस की मदद लोगे, ये चीज आप फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्लियर कट प्राइस में अपसाइड देखने को मिल रहा और यहाँ पे हमें इन दोनों में उतना जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को नहीं मिल रहा, ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्राइस अगर नीचे आएगा तो हमें कैंडल्स का मदद लेना होगा, यानी यहाँ पे हमें कोई निगेटिव कैंडल्स की मदद लेना होगा, कोई निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे हमें चाहिए होगा। तो क्या कोई निगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अब इसको भी आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी। जो लोग हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे जरूर आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, यहाँ पे नाम तो पता ही होगा, अगर नाम नहीं भी पता है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना, वैसे ही आपका डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जहां पे क्लियर कट सेलिंग साइड की तरफ इंडिकेशंस मिलता हुआ दिख रहा है। और जैसे ही प्राइस इस रेड कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे जाएगा, हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ क्लियर कट एंट्री लेंगे, इसका हाईएस्ट पॉइंट SL के रूप में काम करेगा। प्रीवियस स्विंग लो की अगर बात करें तो इसको आप फर्स्ट टारगेट प्राइस रख सकते हैं, इसको आप सेकेंड टारगेट प्राइस रख सकते हैं, फिर ग्रेजुअली यहाँ पे आपका तीसरा टारगेट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। और प्राइस में हमें तेजी से गिरावट देखने को मिला और सारे टारगेट प्राइस को इसने हिट कर दिया। वहीं अगर हम इसके बेसिस पे भी रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करें, देख सकते हैं टारगेट बिग लग रहा है और SL नेक प्राइस से ही छोटा लग रहा है, यानी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफी हद तक हमारे फेवर में रहेगा। और जब भी आप ट्रेड करें, चाहे इक्विटी मार्केट या कमोडिटी मार्केट, हमेशा आपको ये चीज यूज करना है कि यहाँ पे हमारा रिस्क कितना बन रहा है, यानी SL कितना बन रहा है, और यहाँ पे हमें रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, दैट मींस टू हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या है, वो सब कुछ आपको देख के तभी ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना होगा। तो ऐसे आपको ट्रेड करना, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड करते हैं, हम मल्टीपल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ, प्राइस आपका कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, यानी रेगुलर बेसिस पे आपका हायर हाई और हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है, अप ट्रेंड का, ये हमें क्लियर कट इंडिकेशंस देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्लियर कट अप ट्रेंड का डायरेक्शन पता चल रहा है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे भी आपका एक हाई का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगला जो है 5-6 कैंडल या फिर इस पार्टिकुलर लेवल तक हमें कोई हाई फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला, कोई न्यू हाई का फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर हम RSI को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका हाई बनाया था, उसके बाद आपका इस कैंडल पे अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें तो प्राइस में ज्यादा कोई नीचे गिरावट देखने को नहीं मिला, लेकिन RSI का जो डाइवर्जेंस है वो क्लियर कट हमें निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, चाहे ऊपर ज्वाइन करे या फिर नीचे वाले लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करे, डाइवर्जेंस क्लियर कट नीचे साइड की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो है क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि जो बायर्स है वो यहाँ पे कमजोर हो गए हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया दोनों में, प्राइस एक्शन में भी और RSI में भी। अब यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ कब जाना, कोई हम निगेटिव कैंडल्स फाइंड करेंगे, लेकिन अगर हमें इसके बीच कोई निगेटिव कैंडल मिल भी जाता है फिर भी हम सेल साइड की तरफ नहीं जाएंगे, जाएंगे कब, जब ये लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे जाएगा तभी हमें सेल साइड की तरफ इंडिकेशन मिलेगा, तभी यहाँ पे हमें ब्रेक डाउन का हिंट और इंडिकेशन मिलता हुआ दिखेगा, तभी हम इस कंडीशन में सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ब्रेकडाउन यहाँ पे भी चाहिए, प्राइस सेक्शन में भी ब्रेकडाउन चाहिए और हमें चाहिए RSI में भी ब्रेकडाउन चाहिए, तभी यहाँ पे हम सेल साइड की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे दोनों हमें एक साथ चाहिए, जब हमें ट्रेड लेना होगा तो दोनों का डायरेक्शन एक साइड चाहिए, ट्रेड लेने से पहले दोनों हमें अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए या फिर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम ट्रेड लेंगे दोनों सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे भी नीचे आया और यहाँ पे भी देख सकते हैं नीचे आया है। अब जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट किया लगभग सेम कैंडल पे भी यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया, तो अगला कैंडल जैसे ही ओपन होगा, ये कैंडल इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, यहीं पे हम सेल साइड की तरफ एंट्री लेंगे। यहाँ पे अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इस सेक्शन का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है हमारे लिए SL के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम सेल साइड की तरफ बात करें तो इससे प्रीवियस जो आपका लोएस्ट पॉइंट बनता हुआ दिखा, पहला टारगेट प्राइस ही है, उसके बाद ग्रेजुअली हम इस तरह के टारगेट प्राइस के लिए जाते रहेंगे। और यहाँ पे आपको एक और चीज देखना है कि रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा SL हमें बिग लग रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैंडल आपका ब्रेक डाउन दिया है उससे प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट को भी हम एज SL के रूप में ट्वीट कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल ब्रेक डाउन दिया, इससे प्रीवियस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, ये भी हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम कर सकता है।
जो कैंडल आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उसके हाईएस्ट पॉइंट को हम स्टॉप लॉस के रूप में नहीं रखेंगे, उसके प्रीवियस कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट या फिर लोएस्ट पॉइंट को एसएल के रूप में रख सकते हैं। तो आप चाहो तो इस एसएल के साथ ट्रेड ले सकते हैं जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आएगा। नहीं आता है तो सिंपल सा, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो। वैसे यहाँ पे फेवर में आता हुआ दिख जाएगा और इस डाउनफॉल मूव से आप प्रॉफिट बना सकते हो, जो कि हमें मिला है कहाँ से, आरएसआई और प्राइस एक्शन की मदद से यहाँ पे हमने फाइंड किया है। यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस और डिटेल से स्टडी करना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो इसके ऊपर हमने स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया है जहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बताया, और हमने इस तरीके से बताया कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं, और हमने टेक्निकल एनालिसिस में भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कवर किया है, और आप टेक्निकल एनालिसिस में भी खुद को मास्टर कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई करना, सब कुछ आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको हमारा कोर्स को इन्वॉल्व करना होगा, उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर विजिट कीजिए, अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हम आगे की साइड की तरफ देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमें और भी मल्टीपल एग्जांपल हमें देखने को मिल रहे हैं, और सेम पैटर्न को फाइंड करते हुए आप भी मल्टीपल एग्जांपल फाइंड कर सकते हैं, और आप हमें चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो, आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगा और वहाँ पे आप हमसे कंफर्मेशन भी ले सकते हो कि हमने ये चार्ट पैटर्न फाइंड किया ये सही है या नहीं है, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कॉल पे भी जो भी कन्फ्यूजन है वहाँ पे दूर किया जाएगा, या फिर आप हमें कमेंट के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्राइस को देखें तो आपका ये लो बना है, फिर इससे नीचे ये मतलब लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। वहीं अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका एक लो का फॉर्मेशन हुआ है, फिर इससे ऊपर लो, दैट मीन्स ये आपका हायर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। तो प्राइस का जो डाइवर्जेंस है वो नीचे साइड की तरफ है, आरएसआई का ऊपर साइड की तरफ, यानी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यही पॉइंट हमें फाइंड करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, जो यहाँ पे सेलर्स हैं, सेलर्स के वीकनेस यानी कमजोरी का हमें यहाँ पे पता चल गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे बायर्स एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और बायर्स अगर एंट्री कर रहे हैं वो मजबूत हो रहे या नहीं हो रहे, वही हमें पता करने की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए क्या कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम कैंडल ब्लेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस आपका यहीं से एक रेंज के बीच में मूव करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे हमें फाइनली इस रेंज के बाहर दिखा है। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले कैंडल ब्लेंडिंग के टेक्निक का भी यूज करें तो प्राइस आपका ओपन हुआ है यहाँ पे, और क्लोजिंग की बात कर ले तो क्लोजिंग आपका यहाँ पे ऊपर देता हुआ दिखा, ऊपर में छोटा सा टेल, और नीचे में अगर हम बात करें तो ये आपका लोएस्ट पॉइंट बनता हुआ दिख जाएगा। इस तरीके का स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जो कि हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे हम बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लियर कट बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे, और इस पैटर्न का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा ये हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा, और फिर प्राइस आपका यहाँ से ऊपर साइड की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा है। फिर अगर हम बात करें तो प्राइस यहाँ पे आपका और ज्यादा गैप अप लिया है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं तो अगर हम इंट्राडे की भी बात करें तो देख सकते हैं इंट्राडे में क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे हम प्रॉफिट में ही अपने ट्रेड को क्लोज करते हुए देखेंगे। तो ऐसे ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं अगर आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की मदद लेते हैं तो। बाकी इसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। और वीडियो अगर आपको पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।